Good morning, student. Welcome again in this video. Children, today we are going to start the chapter multiplication. This is our chapter multiplication. Okay. So first of all, we will understand the meaning of multiplication. Okay. So we will understand the meaning of multiplication by this example. Okay. So here, suppose we have four groups of apples. Okay. हमारे पास क्या हैं यहाँ पे four groups of apples हैं 1, 2, 3 and 4 ओके टू टू एप्पल्स के हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स हैं फोर ग्रुप ओके सो इफ वी विल एक्सप्रेस दीज एप्पल्स इन नंबर सो वी विल राइट कितने हैं 1, 2, 2 plus 2 plus 2 plus 2 ओके 2 plus 2 plus 2 plus 2 So how much total? That is 8. Total कितने हैं 8. Okay. So 2 is repeated here at 4 times. यहाँ पे 2 कितने times repeat हो रहा है देखो 1, 2, 3 and 4. Okay. So we can write this as 4 times 2. ओके यहाँ पे देखो 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 1, 2, 3 and 4 दैट इज सो वी विल राइट हियर 4 times 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 यहाँ पे 4 times ओके सो दिस 4 times टाइम्स इज एक्सप्रेस एज क्रॉस साइन ओके हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं टाइम्स को क्रॉस साइन सो 4 एंड दिस क्रॉस साइन इज नॉन एज मल्टीप्लीकेशन ओके ये यहाँ पे क्रॉस साइन क्या डिनोट करता है मल्टीप्लाई सो 4 multiply 2 ओके 4 multiply 2 इज 4 2 is 8 ओके वैसे भी देखो यहाँ पे 2 plus 2 plus 2 plus 2 दैट इज 8 4 times 2 कितना आ रहा है इट्स 8 ऑन वी विल राइट हियर 4 multiply 2 दैट इज 8 सो द मल्टीप्लीकेशन इज द रिपीटेड एडिशन क्या होता है मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन इज नोन एज रिपीटेड एडिशन एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से द रिपीटेड एडिशन इज ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लीकेशन ओके व्हेन वी रिपीट एनी नंबर्स अगेन एंड अगेन ओके तो जितने टाइम्स वो नंबर्स रिपीट हो रहा है सो आप क्या करोगे उस नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे ओके सो इन द अदर एग्जाम्पल हेयर वी हैव देखो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं टोटल 3 ग्रुप्स हैं 3 flowers के 1, 2 and 3 टोटल कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास 3 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप्स हैज़ 3 flowers ओके सो इफ़ वी विल ऐड दीज ग्रुप दीज फ्लावर्स सो वी विल राइट हियर 3 plus 3 plus 3 सो हाउ मच इट इज 9 3 plus 3 plus 3 is 9 सो वी कैन राइट हियर 3 has been added 3 times यहाँ पे 3 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है 3 times ओके सो वी विल राइट हियर 3 times 3 ओके एंड टाइम्स दिस वर्ड वी डू नॉट एज मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई सो 3 multiply 3 दैट इज 9 3 3 is 9 सो दिस मीन्स द रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेशन सिंपली क्या है मल्टीप्लीकेशन इज द रिपीटेड एडिशन ओके And other example is here. These are some other questions about repeated addition. Here, देखो यहाँ पे total brinjals के कितने groups हैं 1, 2, 3, 4, 5 कितने total 5 groups and each groups has 3 brinjals. Okay, so we will write here 5 multiply 3. Okay. जितने टाइम्स नंबर रिपीट हो रहा है वो नंबर्स आपको पहले लिखना है ओके सो यू विल राइट हियर 5 multiply 3 दैट इज 15 ओके नेक्स्ट इज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर 1, 2, 3, 4, 5 5 groups ऑफ कैन एंड ईच ग्रुप्स हैज 1, 2, 3, 4 4 कैन सो वी विल राइट हियर कितने ग्रुप्स हैं टोटल 1, 2, 3, 4, 5 तो वी विल राइट हियर 5 multiply 4
दैट इज 20। ओके नेक्स्ट इज देखो 1, 2, 3 कितने ग्रुप्स हैं टोटल बटरफ्लाइज के, 3 ग्रुप्स। ओके 1, 2, 3 एंड ईच ग्रुप्स हैज़ 1, 2, 3, 4, 5 टोटल हाउ मच देज आर 5 बटरफ्लाइज इन अ वन ग्रुप। ओके सो इफ वी विल एक्सप्रेस दिस एज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर सो वी विल राइट हियर 3 × 5 दैट इज 15। ओके इन द नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 वी हैव हियर 4 ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स एंड इन ईच ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स हैज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फ्लावर्स। ओके सो वी विल राइट हियर 1, 2, 3, 4 4 × 7 ओके ईच ग्रुप हैज 7 फ्लावर्स तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 4 × 7 ओके दैट इज 4 × 7 = 28। ओके सो चिल्ड्रन इफ वी विल राइट इन द डिटेल में एज अ रिपीटेड एडिशन सो वी विल राइट हियर 7 + 7 + 7 + 7 ओके टोटल कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे 4 ग्रुप्स सो ईच ग्रुप्स हैज 7 फ्लावर्स सो इफ वी विल राइट एज द रिपीटेड एडिशन तो वी विल राइट एज 7 + 7 + 7 + 7 दैट इज 4 × 7 एंड दैट इज 4 × 7 दैट इज 27। ओके इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 2, 3 वी हैव टोटल 3 ग्रुप्स ऑफ क्रेयॉन्स एंड ईच ग्रुप हैज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्रेयॉन्स। ओके सो एज अ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स वी विल राइट हियर 3 × 8 ओके मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में हम कैसे लिखेंगे 3 × 8 एंड एज अ रिपीटेड एडिशन वी विल राइट हियर 8 + 8 + 8 दैट इज 3 × 8 दैट इज 3 × 8 एंड दैट इज 24। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर वी हैव ओनली 2 ग्रुप ऑफिसेस ओके एंड ईच ग्रुप हैज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑफिसेस सो वी विल राइट हियर 2 × 9 दैट इज 18। ओके एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर 1, 2, 3, 4 वी हैव टोटल 4 ग्रुप्स ऑफ बॉल्स एंड ईच ग्रुप हैज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके सो वी विल राइट हियर 4 × 10 दैट इज 40। ओके सो दीज आर द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स एज द रिपीटेड एडिशन। ओके सो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन एज रिपीटेड एडिशन। ओके सो हियर सम अदर क्वेश्चंस ऑफ रिपीटेड एडिशन द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 + 2 + 2 + 2 + 2 हाउ मच टाइम्स द 2 इज रिपीटेड एज 5 टाइम्स सो दैट्स वाई वी विल राइट हियर 5 × 2 दैट इज 10। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर 5 + 5 + 5 दैट इज 5 इज रिपीटेड एट 3 टाइम्स सो वी विल राइट हियर 3 × 5 दैट इज 15। ओके इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 6 + 6 सो वी विल राइट हियर 2 × 6 दैट इज 12। ओके जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है वो नंबर आपको पहले लिखना है। ओके और जो नंबर रिपीट हो रहा है वो नंबर आपको बाद में लिखना है। ओके इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर 7 + 7 + 7 दैट इज 3 × 7 ओके सो वी विल राइट हियर 3 × 7 = 21। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 2 + 2 + 2 दैट इज 3 × 2 एंड 3 × 2 = 6। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो 3 इज रिपीटेड एट 6 टाइम सो 6 × 3 दैट इज 18। इन द नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ओके 9 इज रिपीटेड एट 8 टाइम्स सो वी विल राइट हियर 8 × 9
दैट इज 72. द नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5. ओके सो 8 इज रिपीटेड एट 5 टाइम्स. सो 5 मल्टीप्लाई 8 दैट इज 40. द नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5. सो 5 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 इज रिपीटेड एट 6 टाइम्स. सो 6 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 6. ओके सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ मच टाइम एनी नंबर इज रिपीटेड. ओके जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है वो नंबर आपको पहले लिखना है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 इज रिपीटेड एट 6 टाइम. सो वी विल राइट हियर 6 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 30. हेयर 1, 2, 3, 4. ओके सो 6 इज रिपीटेड एज 4 टाइम. सो 4 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 इज रिपीटेड एट 6 टाइम्स. सो वी विल राइट हियर 6 मल्टीप्लाई 4. ओके सो दैट इज 6, 4 जा अगेन 24. नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5. 2 इज रिपीटेड एट 5 टाइम्स. सो 5 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 10. द नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 इज रिपीटेड एट 7 टाइम. सो 7 मल्टीप्लाई 8 दैट इज 56. ओके सो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स एज रिपीटेड एडिशन. ओके ओके चिल्ड्रन सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑन नंबर लाइन. ओके सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस दैट हाउ वी शो द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स ऑन द नंबर लाइन. ओके सो सपोज हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन 4 मल्टीप्लाई 5. ओके 4 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 4 टाइम्स 5. ओके एंड 4 टाइम्स 5 मीन्स 5 इज रिपीटेड एट 4 टाइम्स. ओके 5 यहाँ पे कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स एंड देन वी एड द 5 एट द 4 टाइम्स. ओके सो दैट्स मीन्स 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 एंड दैट इज 20. ओके आपको 5 को 4 टाइम्स ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 20. ओके सो नाउ हाउ वी शो द नंबर्स मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स ऑन द नंबर लाइन. अब आपको नंबर लाइन के ऊपर इनको कैसे दिखाना है. सो हेयर वी नो द आंसर्स 20. ओके यहाँ पे आंसर्स कितना है 20. सो वी हैव द नंबर्स ऑन नंबर लाइन अप टू 20. सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे देखो दिस इज़ अ नंबर लाइन. आपको इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. ओके एंड द राइट नंबर्स फ्रॉम 0 से आपको स्टार्ट करने हैं और जहाँ तक आपका आंसर है यू हैव द आंसर्स 20. तो वी हैव राइट द नंबर अप टू 20. आपको 0 से लेके और नंबर्स कहाँ तक लेने हैं 20 तक. सो आप इसको नंबर लाइन को इतने आप आगे और करो 15, 16, 17, 18, 19 and 20. ओके सो नाउ अब आपको क्या करने हैं वी हैव हियर 5 नंबर्स के आपको क्या करने 4 जंप्स करवाने 5 नंबर्स लेके देन यू होप द एट 4 टाइम्स. ओके सो फर्स्ट जंप यू विल राइट हियर 0 to 5 फर्स्ट जंप देन 5 to 10. आप नंबर यहाँ से काउंट करोगे देखो 1, 2, 3, 4, 5 देन 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ पे आ रहा है 10 पे अगेन 1, 2, 3, 4, 5. सो नेक्स्ट जंप यू विल होप अप टू 15. आपको कहाँ तक लेना है 10 to 15 देन 1, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट जंप आप कहाँ तक लोगे अप टू 20 तक. ओके तो आपको नंबर लाइन पे नंबर कहाँ तक लेने हैं जहाँ तक कि आपको आपका आंसर जो आपको आंसर आया हुआ है. ओके तो एटलीस्ट वहाँ तक आपको नंबर नंबर लाइन के ऊपर लिखने ही लिखने हैं. ओके सो हेयर यू विल राइट हियर 5 + 5 + 5 + 5 और कितने जंप है देखो 1, 2, 3 and 4. सो यू विल राइट हियर 4 × 5 = 20. कितना आगे आंसर देखो यहाँ पे लास्ट क्या है आंसर आपका 20. ओके सो
like this you have to denote the numbers at the number line. So suppose we have the next question is 2 multiply 6. Okay, here sorry 6 multiply 2. Okay, next question we have 6 multiply 2. Now we have to, first of all we have to draw the number line and 6 आपको क्या करना है, 2 6 टाइम्स 2, दैट मीन्स 2 इज एडेड एट द 6 टाइम. ओके, सो टी इज 2 इज रिपीटेड एट 6 टाइम्स, देन एडेड 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 1 2 3 4 5 प्लस 6. ओके, सो नाउ यू विल ड्रॉ द नंबर लाइन. ओके, वी ऑलवेज मार्क द एरो साइन इन द बोथ साइड. ओके, आपको बोथ साइड क्या लगाने हैं, यहाँ पे एरो साइन लगाने हैं, एंड दीज एरो साइन डिनोट द नंबर लाइन इज कंटिन्यूस अप टू इन्फिनाइट. आप इन्फिनाइट तक नंबर लाइन को इसको रेज कर सकते हैं. ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो. ओके, आपको जहाँ तक भी आपको आंसर्स आपका है आप नंबर्स इन पे लिख सकते हैं. ओके, सो वी हैव टू टेक द जंप ऑफ टू नंबर्स. आपको क्या करने है, टू नंबर्स के होप लेने हैं, जंप लेने हैं. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द 0, आपको 0 से स्टार्ट करने हैं, एंड 0 1 2. सो यू विल राइट हियर फर्स्ट जंप अप टू 0 to 2, एंड द सेकेंड जंप अप टू 2 to 4, देन 4 to 6, देन 6 to 8. यू हैव टू टेक 6 जंप. आपको कितने जंप लेने हैं, 6 जंप. ओके, एंड 8th, 5th एंड 6th. ओके, देखो 1 2 3 4 5 6. ओके, और सब में कितने हैं, देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, एंड आंसर इज 12. ओके, तो योर आंसर इज 6 मल्टीप्लाई 2 इज 12. ओके, इन द अदर क्वेश्चन हेयर वी हैव एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स 5 टाइम्स 3. सो यू विल राइट हियर 3 अप टू 5 टाइम, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3. ओके, नाउ यू विल ड्रॉ द नंबर लाइन लाइक दिस एंड राइट द नंबर्स फ्रॉम 0 to 20. ओके, आप 15 तक भी ले सकते हैं क्योंकि आंसर इज योर 15. सो यू विल राइट हियर नंबर्स अप टू 0 to 15. ओके, सो फर्स्ट जंप यू विल राइट हियर 0 from 3, देन 1 2 3. नेक्स्ट जंप विल बी अप टू 6, देन 1 2 3. नेक्स्ट जंप विल बी 6 to 9, देन 1 2 3 अप टू 12, देन 1 2 3 अप टू 15. ओके, सो फर्स्ट जंप विल बी 0 to 3, सेकेंड जंप 3 to 6, एंड थर्ड जंप 6 to 9, एंड द फोर्थ जंप 9 to 12, एंड द फिफ्थ जंप विल बी 12 to 15, एंड द आंसर इज 15. आपको टोटल कितने जंप लेने हैं, 5 जंप. ओके, सो द आंसर इज 15. ओके, सो इसी तरह से आप इन टू क्वेश्चंस को करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 6 एंड 5 मल्टीप्लाई 4. 5 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 4 इज एडेड अप टू 5 टाइम्स, दैट मीन्स 5 टाइम्स 4, दैट मीन्स 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4. आपको 4 कितने टाइम ऐड करना है, 5 टाइम. सो व्हेन यू विल ड्रॉ द नंबर लाइन यू विल टेक द जंप अप टू 0 to 4, देन 4 to 8, देन 8 to 12, 8 12 to 16, एंड 16 to 20. ओके, सो दिस इज योर नंबर लाइन सॉल्यूशन. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो चिल्ड्रन वी हैव हियर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. फर्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लीकेशन, सॉरी मल्टीप्लीकेशंस ऑर्डर, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, एंड द सेकेंड इज मल्टीप्लाइंग बाई 1, एंड द थर्ड इज मल्टीप्लाइंग बाई 0. ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज
a change in the order of the factors does not changes the product. This is called the order property of multiplication. First is your order property of multiplication. That means if we change the order of multiplication factors, आप क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स के ऑर्डर चेंज करते हैं तो आंसर्स विल बी सेम. ओके आप यहाँ पे देखो 7 × 2 लिखा हुआ है. 7 × 2 मीन्स 7 × 2 = 14 एंड इन द अदर एग्जांपल 2 × 7 दिस इज आल्सो 14. ओके आपने क्या किया यहाँ पे दोनों नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर दिए. फर्स्ट इज हियर 7 × 2 एंड द सेकेंड इज 2 × 7. ओके तो यहाँ पे क्या है दोनों नंबर्स के ऑर्डर चेंज है बट आंसर इज सेम दैट इज 14. ओके सो दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके मीन्स टू से व्हेन वी चेंज द फैक्टर्स वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स द मल्टीप्लिकेशन सॉरी द आंसर्स डज नॉट चेंज. ओके द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज दिस इज द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. And the second is multiplying by 1. So this says when we multiply any numbers by 1, the answer is the number itself. Okay, जब आप किसी भी number को 1 से multiply करते हो तो answer क्या है answer same number रहता है. Okay, here suppose we have 1 × 7 that is 7. Okay, आप किसी भी number को suppose this is two digit numbers, 3 digit numbers, कितना भी largest number है आप उसको 1 से multiply करते हो तो answer हमेशा क्या रहता है द नंबर इट सेल्फ सेम नंबर. ओके सो दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइंग 1. द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 0 एंड दिस इज व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 0 द आंसर इज ऑलवेज 0. ओके जब हम क्या है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या रहता है 0. सो दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 0. ओके